ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय इस्टेक्स फुजी फिल्म। आज दो स्पेशल गैजेट है दिखाने को, पहला है ये टाइली कैमरा और दूसरा है ये स्क्वायर लिंक प्रिंटर। आओ जानते हैं बेस्ट 5 थिंग्स जो ये करते हैं। शुरुआत इंसेक्स पैल के अनबॉक्सिंग से करते हैं। एक डिसेंट सा बॉक्स जिसमें सबसे पहले मिलेगा क्यूट सा कॉम्पैक्ट कैमरा, एक्चुअली एडोरेबल है ये वाला लेवेंडर ब्लू है। इसके अलावा चार और प्यारे रंगों में आता है ये, बाकी प्रिटी नाइस एक डिटैचेबल रिंग, एक यूएसबी ए टू यूएसबी सी चार्जिंग केबल, यूएसबी सी टू सी होता तो ज्यादा बेटर होता, और एक बहुत छोटी मगर मोटी किताब। आई डोंट थिंक इसके बाद कोई ट्यूटोरियल की जरूरत पड़ेगी। ओके, सबसे पहली चीज है इसका साइज। ये कैमरा फ्यूजी फिल्म का अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट कैमरा है। साइज कंपैरिजन बिल्कुल एक पानीपुरी साइज का। बिल्ट पूरी प्लास्टिक है बट काफी सॉलिड फील है। वेट 42 ग्राम है तो अपने होने का एहसास भी नहीं कराता। ये स्टैंड अलोन वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा और फोटो खींचने के लिए कोई फोन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी कैमरा दिल से बहुत सिंपल है, सिंपली जेब से निकाला, यहाँ टॉप में एक सेकंड के लिए टैप, ये पीछे बड़ा सा शटर बटन पे क्लिक, फोटो खींच चुकी है और आप अपने नॉर्मल लाइफ में वापस। वैसे लगता है खिलौने सा लेकिन काम सारे कर लेता है। इससे निकाले हुए कुछ अलग अलग सिनेरियोस में चित्र ये हैं। मैंने इन पिक्चर्स में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं किए ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लगे कैसी पिक्चर क्लिक करता है। फोटो कंसिडरिंग जितना इसका साइज है उस हिसाब से एवरेज ही खींचता है। डेफिनेटली इस पे काम करने की जरूरत है कंसिडरिंग द प्राइस। बाकी मैंने देखा इससे जब भी लोगों की फोटो खींचोगे तो आपको से चीज स्माइल जैसी चीजें नहीं कहने की जरूरत पड़ती, ऑलरेडी लोग खुश हो रहे होते हैं इसे देखकर। जैसे कि इसमें स्क्रीन नहीं तो फ्रेमिंग सेट करने के लिए उन्होंने एक चीज दी है, सिंपली इसको ऐसे सेट करना है और ये आपका आईपीस बन जाता है। इसका सेंटर आपके पिक्चर का सेंटर बन जाता है और फील्ड ऑफ व्यू भी काइंड ऑफ सिमिलर है। काफी अच्छा थॉट है। बाकी कैरी करने के लिए ये रिंग बन जाती। अब इससे क्लिक फोटोज देखने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे इंस्टेक्स पैल ऐप डाउनलोड करनी है। बहुत प्यार से इजीली ब्लूटूथ से पेयर हो जाएगा। उसके बाद जो भी फोटोज खींची होगी आपने आप यहाँ पर सारी फोटोज देख सकेंगे। इवन ऐप से हम रिमोटली पिक्चर क्लिक कर सकते हैं तो और भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से खेल सकते हैं। इवन बेस में नॉर्मल ट्राइपॉड या सेल्फी माउंट पोर्ट है फॉर मोर वाइडर सेल्फीज। इसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं और अगर नहीं भी है तो आप 50 फोटोज इसी डिवाइस में खींच सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जैसे इसकी ऐप ओपन करोगे तो ये अपने फोटोज को वहां ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है ताकि आपके पास अगेन 50 फोटोज की स्टोरेज हो। आप इवन इनके शटर साउंड भी चेंज कर सकते हैं या इवन फोटो में बेसिक एडिटिंग या फिल्टर्स भी। फ्लैश ऑटोमेटिकली काम करता है जरूरत पड़ने पर और थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बैटरी सेविंग ट्रिक, बैटरी चार्ज के लिए यूएसबी सी मिल जाएगा और रफली 2 घंटे लेता है फुल चार्ज होने में। बाकी ओवरऑल कूल प्रोडक्ट है शॉक वगैरह के लिए। अगला प्रोडक्ट मुझे प्यारा लगा, बेसिकली स्मार्टफोन की कोई भी फोटो को ऐसे चुटकी बजा के प्रिंट करवा देता है। बाय द वे ये है इस मैजिक के पीछे का राज, ये है इंस्टेक्स स्क्वायर लिंक प्रिंटर। सबसे पहले मिलता है अपना प्रिंटर, वेरी वेल पैकेज्ड। ये वाला क्ले व्हाइट में है और मुझे लगता है एप्पल को भी यही नाम देना चाहिए था। 6 महीने हो गए आज तक कोई नहीं मिला जिसने इसे ब्लू कहा हो। बाकी ये दो और प्यारे पेस्टल कलर्स में आते हैं, एक यूएसबी ए टू यूएसबी सी चार्जिंग केबल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और साथ में 10 शीट्स ऑफ फिल्म शीट। येलो टेप से येलो को मिलाकर मस्त दरवाजा बंद, सेट हो चुका है अपना प्रिंटर। बाकी फोन में इसके नाम की आपको ऐप डाउनलोड करनी है, सिंपली पेयर कर लेना है। बाय द वे सब प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए अलग अलग ऐप है, एक ही ऐप होती तो अच्छा होता। बाकी ऐप बहुत इजी टू यूज है, सिंपली अपनी फेवरेट फोटो चूज करो। यहाँ फाइनल टचअप के लिए कुछ बेसिक एडिटिंग ऑप्शन है, सब सेट करने के बाद बस ये तैयार है प्रिंट के लिए। बाकी फिर फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर है, नदी, पहाड़, बिस्तर के अंदर या फिर ट्रैफिक लाइट, और ये ईज ऑफ यूज इसको यूनिक बनाता है। और ट्रस्ट मी इससे निकली पिक्चर्स एक्चुअली में फील रियल होता है, वो कैप्चरिंग द मोमेंट वाला एसेंस फील्स लाइक अ यूनिक पीस, क्योंकि पता है अब इसको ऑल्टर्ड नहीं कर सकते। प्रिंट क्वालिटी काफी अच्छी एंड फोटोज वाटरप्रूफ भी। ओके, फोटोज तो वाटरप्रूफ है लेकिन मेरी टी शर्ट मैं चेंज करके। चार्जिंग के लिए यूएसबी सी के साथ आता है और मुझे 89 मिनट लगे फुल चार्ज करने में और इससे रफली 100 फोटोज तक निकाल सकते हो जो कि बहुत है। इनके ऐप में फन के लिए काफी एआर मोड्स हैं, जिसे आप अपनी फोटोज में क्यूआर कोड छोड़ सकते हो, उसको स्कैन करने पर कोई मैसेज, डूडल या फोटो या वीडियो की कोई लिंक छोड़ सकते हैं अपना पर्सनल टच और ऐड करने के लिए। स्पेशली जो प्रेजेंटेशन का तरीका है ट्रैकिंग के साथ काफी कूल लगता है। प्रिंट निकलने के बाद इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, 90 सेकंड का वेट और आपकी फोटो तैयार, और ये ट्रांजिशन देखने में मजा बड़ा आता है। इवन ये प्रिंटिंग शीट्स के डिजाइन भी आपको डिफरेंट बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। और इसको मिक्स मत करना कि मैं डिजिटल फोटोज को नीचा दिखा रहा हूँ, डिजिटल फोटोज अपनी जगह बहुत बेनिफिट्स लेके आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये डिजिटल कोड्स हैं एंड ये एक्चुअल फोटो। और डिफरेंस जानने के लिए जब आप ये किसी को हैंड ओवर करते हो उनका रिएक्शन जिस तरीके का होता है वहां आपको डिफरेंस पता चलेगा। बाकी नीचे दिए लिंक से आप दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, परसों आएगी।